अनुजी, आपने बात की गुरु के बारे में और टीचर और गुरु का जो फर्क बताया। आपने ये भी बात की कि फिजिक्स पढ़ा आपने, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, लेकिन एक सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाया फिल्म में एक इंसान को, बायोलॉजी, वो आपको अपना गुरु मानते हैं। तो आइए सुनते हैं कि आयुष्मान साहब आपके बारे में क्या कहते हैं। हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना ऑन 92.7 बिग एफएम और अनु कपूर सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुहाना सफर मेरे साथ ही शुरू हुआ था, विकी डोनो से शुरू हुआ था और ये सफर को आगे बढ़ाया जब सुहाना सफर के लॉन्च पर मैं अनु कपूर सर के साथ में था और वहां पर मैंने उनके बारे में और भी चीजें डिस्कवर की कि 2 घंटे लगातार विदाउट स्क्रिप्ट उन्होंने शो को एंकर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताना चाहता हूँ कि अनु कपूर इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड म्यूजिक और उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को भी शायद इंडस्ट्री में नहीं होगी। एंड आई थिंक आई वॉज रियली ऑनर्ड टू वर्क विद हिम। अनु कपूर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पहली बार, पहले मैं कुछ बताता हूँ उनके बारे में। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर एक पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जो रेडियो भी कर रहे हैं साथ साथ, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ग्रास रूट लेवल के लोगों से जुड़ सकते हैं। रियल ऑडियंस, रियल लिसनर्स, जो रियल टारगेट ऑडियंस जिसे हम बोलते हैं वो रेडियो लिसनर्स होते हैं। अनु कपूर सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि मेरे और अनु सर के बीच में एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है। जब भी सुबह का कॉल टाइम होता था विकी डोनर के दौरान तो मैं वैनिटी वैन में जाता था और उनके चरण स्पर्श करता था और उनके सामने बैठ जाता था। वो तो मतलब उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है सुनाने के लिए। तो इनफैक्ट आप शायद, आपको जान की थोड़ा सरप्राइज होंगे कि जितनी भी आपने कहानियां सुनी हैं सुहाना सफर में, उससे आधी कहानियां मैं सुन चुका हूँ ऑलरेडी, जो 40 दिन मैंने उनके साथ बिताए थे विकी डोनर के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनु जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो ज्यादा इंजॉय लाइफ में क्या करते हैं, अपना अभिनय या फिर संगीत? आयुष्मान, आपने इतने बड़ा मान दिया मुझे बर्थडे की शुभकामनाओं के साथ, और ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं। बल्कि आपने मुझे ये भी बोल दिया कि मैं गुरु जैसा हूँ। कहानियाँ तो मेरे पास हैं क्योंकि उसी कहानियों की वजह से मैं चल रहा हूँ, सुनने वाले चल रहे हैं। लेकिन एक एक कहानी याद आ रही है, अगर आप, अरे सर, आप लोग सुनना चाहोगे? ये मतलब, मेरे साथ कुछ स्टूडियो में मेरे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं सुरेश पाटिल साहब हैं, ये मुकेश कड़ू हैं, ये सब मेरे गांव के लोग हैं, विवेक मोरे बैठे हुए हैं, ये अमित मामा हैं, अशोक नायडू हैं, करतार जी हैं, ये उमेश मोरे, इन लोगों के लिए जोरदार ताली। गाँव से आए मेरे, ये बदलापुर के उल्लासनगर से चल के मेरे। एक बार मैं सबके तरफ से मतलब विनती करूंगा कि आप लोग एक बार अनु कपूर जी को विश तो करें, आज जन्मदिन है। जी जी, तो एक बार थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर अनु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, एक आयुष्मान ने बहुत बड़ा मान दे दिया। तो कहानियां हैं मेरे पास गुरु और शिष्य की। आयुष्मान, अगर आप सुन रहे हैं तो ये कहानी मैं आपको ही नजर कर रहा हूं। घटना यूं है कि पिता के आदेश पर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पर्णकुटी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। राम और लक्ष्मण ने आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। अंदर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। दस्तक सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? तो राम और लक्ष्मण हाथ जोड़ के, जो बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं कि हम, मैं कौन हूं। तो गुरु ने, देखिए, गुरु ने कहा, द्वार खोल लो, तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। आप समझे ना? सो अगर आपने मुझे वो मान दिया है तो मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे इतना मान दिया है। अब बाकी बचा आपका सवाल। तो भैया, घूमना बड़ा अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, अगर कभी कभार अच्छा किसी की परफॉर्मेंस देख लूँ तो मन गदगद हो जाता है कि अच्छी परफॉर्मेंस मैंने देखी। हिंदी फिल्मों में अभी 2-3 दिन पहले एक गाना देख रहा था, उसमें मुमताज़ जी ने जो 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 भाव व्यक्त किए हैं, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, वाह वाह वाह, आह, आनंद आ गया देख के। या फिर कभी
यहाँ यहाँ काटूंगा सर जी, वो गाना जरा गुनगुना के बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने गाने की बात छेड़ी हो और आप गाए ना। ये असद भोपाली साहब का लिखा हुआ गीत है, पिक्चराइज्ड है ये जितेंद्र जी और मुमताज जी के ऊपर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गीत गाया है ग्रेट लता मंगेशकर और ग्रेट महेंद्र कपूर जी ने। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं, आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं, एक तेरी मोहब्बत का एक मेरी मोहब्बत का, दो फूल बहारों में सदियों से महकते हैं। क्या बात, और सर बात संगीत की चल रही है, गाने की चल रही है, तो एक बहुत नामचीन गजल सिंगर है, वो भी कुछ ऐसा ही राय रखते हैं आपके बारे में जैसा प्यारे लाल जी रखते हैं, तो सुनते हैं तलत अजीज साहब क्या कह रहे हैं। अनु कपूर साहब की सालगिरह है तो इस मौके पर मैं तलत अजीज उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और अनु साहब, आप हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और आपको याद है ना, एक मुझे वाकया याद आ रहा है, बहुत सालों पहले आप एक टेलीविजन शो होस्ट कर रहे थे और हम, मैं और सुरेश वाडकर साहब और बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे थे, और आपको मूड आ गया और आप वो गज़ल गाने लगे, रंग बातें करें, और आप गा रहे थे, हम भी साथ में गा रहे थे, लेकिन आप हमसे बेहतर गा रहे थे क्योंकि आपको सारी गज़ल याद थी। और फिर से आपको दिल से मुबारकबाद, सालगिरह, आप फलें फूलें, और आपका शो बहुत कामयाब हो रहा है और इंशाल्लाह और ज़्यादा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट अनु जी, हैप्पी बर्थडे। नहीं तलत भाई, आप मेरे साथ नहीं गा रहे थे, आप बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं आपके साथ गा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल, आरजे सिद्धार्थ के साथ।